महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, और जो लोग लुभावन वादा किए नौकरी पर मिल नहीं रहा है, इस पर लोग मतलब भाग रहे हैं। और 10 साल में ये पब्लिक जो है हमारे हिंदुस्तान का झूठ और फरेब से उब चुकी है। जिसके घर चार चार छः छः लड़के एमटेक बीटेक एमबीए करके बैठे हैं, उस परिवार वालों से पूछिए कि इस गवर्नमेंट में क्या मिला। तो महंगाई से हम लोग त्रस्त हैं साहब, महंगाई बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है साहब। हम लोग इसलिए चाह रहे हैं परिवर्तन हो, अब परिवर्तन की हम लोग कोशिश में हैं, लगे हुए हैं। परिवर्तन आपका है, दिमाग में चल रहा है? जी सर, इसलिए कि महंगाई, हम लोग 400-350 रुपये में सिलेंडर पाते थे, आज हम 1200-1500 रुपये में सिलेंडर पा रहे हैं। 4PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं क्षितिज कांत। आज छठवें चरण का मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर। लगातार आप देख रहे हैं दो हॉट सीट आजमगढ़ और जौनपुर पर सभी की नज़र है। इस समय हम जौनपुर में हैं, पीछे आप देख रहे हैं ये एक उच्च प्राथमिक विद्यालय अलीगंज सिकरारा जौनपुर ये कहलाता है, और दूर पर आप देख पा रहे हैं लगभग यहाँ से 100 मीटर दूरी पर मतदान केंद्र है जहाँ पर मतदान हो रहा है। और यहाँ पर आज भाग्य तय किया जा रहा है जौनपुर का। आपको बता दें 4 तारीख को जिस समय काउंटिंग होगी सरकार तय हो जाएगी, इसके बाद सिर्फ एक चरण का मतदान बचेगा जो कि 1 जून को होना है। हमारे साथ तमाम लोग हैं जिन्होंने वोट डाल लिया है और जो आकर के अभी वोट डालेंगे, कोशिश करेंगे सभी समझने की कि आज किन मुद्दों पर मतदान हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी कि किसी से भी पार्टी की बात ना हो, किसी प्रत्याशी की बात ना हो, सिर्फ मुद्दों पर बात हो। क्या मुद्दे थे आपके? विकास, विकास का मुद्दा जी था। जी, तो विकास हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ, जौनपुर में विकास जी, हुआ जी, तो विकास का मुद्दा था जी। चलिए विकास का मुद्दा, और जौनपुर में क्या क्या विकास हुए? बहुत सा विकास हुआ, कुछ बताएंगे? यहाँ पे हाईवे है, रोड है, स्कूल है, कॉलेज है, सब चीज है। तो मौजूदा सांसद अभी बसपा के थे जी, तो सांसद जी ने काम अच्छा करवाया? नहीं, फिर वो यहाँ पे तो कभी दिखाई नहीं दी, हम लोग उनको देखे ही नहीं है। तो काम तो सांसद करवाते होंगे ना? अब ये तो हम नहीं बता सकते कि कौन करवाया, लेकिन हुआ है, काम हुआ है जी जी। तो सांसद तो बसपा से थे? हाँ, गठबंधन से थे, लेकिन काम वो करवाए कि कौन करवाए ये मालूम नहीं, मालूम नहीं, हम लोग उनको देखे नहीं है। अब देखे नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। अम्मा आप वोट कराई हैं? हमारा ना समझ में आए भाई, हम ना। अच्छा वो बात करते, विकास का मुद्दा था, महंगाई बेरोजगारी क्या बढ़ी है कि घटी है? घटा कहाँ पर बढ़ाए हैं, कौन घटा बताई भैया? तो महंगाई बढ़ी है, बढ़ी है। तो आपका मुद्दा महंगाई बेरोजगारी? हाँ हाँ, खाई खाई बिना लोग तबाह हो जाता है, रोजगार भी खत्म हो चाहता है, कौन बताई उपाय? तो महंगाई मुद्दा था? हाँ हाँ, महंगाई है। तो चलिए महंगाई मुद्दा था, पीछे एक मीडिया से हैं आप जी सर, तो क्या यहाँ पे देख रहे हैं आज रुझान किधर जा रहा है, क्या मुद्दे रहे होंगे पब्लिक के ज्यादातर? पब्लिक मुद्दा ये रहा है कि महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, और जो लोग लुभावन वादा किए नौकरी पर मिल नहीं रहा है, इस पर लोग मतलब भाग रहे हैं। तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था, बहुत बहुत बड़ा बेरोजगारी, 8 साल में कुछ भी आज तक नहीं हुआ। अब लड़के परीक्षा जब भी परीक्षा दे रहे हैं, अरबों रुपये पैसा फीस जमा हो रहा है, लड़कों पेपर आउट हो जा रहा है, सब 8 साल में क्या हो रहा है? अच्छा दादा एक बात करें, अभी आपके सामने ही एक शख्स से बात होती है जी। उनसे उनको ये तक नहीं पता होता विकास किसने किया, विकास की तो बात कर जाते हैं, मौजूदा सांसद तो बसपा से, विकास हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या विकास बताया जाए भैया, तो सरकार अपना जो जो पहले से है वही चल रहा है, वर्तमान कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो भी पहले से है वही चल रहा है। पहले से मतलब पिछली सरकार या 10 साल से पहले वाली सरकार? 10 साल पहले से वही, जब आज दया कोई दिखाई नहीं पड़ा धरातल पर, तो 10 साल के पहले वाली सरकार का विकास? हाँ, जो भी चल रहा है यहाँ कोई अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए दादा आप बताएं क्या रहा, उम्र पहले कितनी हो गई है? 65 साल हो गए। 65 साल हमारी होगी, 65 साल 60 आप की है जी। हाँ देखिए 60 साल उम्र दादा की और 65 साल, कई सरकारें बनते बिगड़ते देखी है जी सर। तो आज का मुद्दा क्या रहा, 24 में तो सरकार बनाने जा रहे हैं? हम लोग गरीब तबके के लोग हैं, काश्तकार हैं, घर गृहस्थी वाले हैं। हाँ हाँ, तो महंगाई से हम लोग त्रस्त हैं साहब, महंगाई बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है साहब। हम लोग इसलिए चाह रहे हैं परिवर्तन हो, अब परिवर्तन की हम लोग कोशिश में हैं, लगे हुए हैं। परिवर्तन आपका है, दिमाग में चल रहा है? जी सर, इसलिए कि महंगाई, हम लोग 400-350 रुपये में सिलेंडर पाते थे, आज हम 1200-1500 रुपये में सिलेंडर पा रहे हैं। दाल हम लोग 60-50 रुपये किलो दाल खाते थे, आज हम लोगों के पास 170-180 रुपये किलो दाल बिक रही है। आम आदमी कमर टूटी है? जी सर, सबसे ज़्यादा कमर टूटी आम आदमी की। जो गरीब थे वो गरीब होते गए, जो धन पशु थे वो धन पशु होते गए, बढ़ते गए वो,
समझ रहे हैं कि क्या मुद्दे थे, ये कोर मुद्दे हैं। 65 साल की उम्र है दादा की, मैंने नाम भी जानने की कोशिश नहीं की है। आपका दादा क्या मुद्दे रहे, पहले उम्र बता दें। वो 50 के फिर 50 के आसपास, काफ़ी देखिए सीनियर लोग हैं हमारे साथ। क्या मुद्दे थे दादा? यही महंगाई है और क्या है, नौकरी नहीं मिल रही है, यही सब है तबाही। तो ये जो नौकरी नहीं मिल रही है मुद्दा है, महंगाई आपका मुद्दा है। तो सरकार ने इस बार महंगाई पे कंट्रोल किया या नहीं किया, रोजगार मिला कि नहीं मिला? बढ़ते चला गया तो क्या करें, 400 गैस 1200 विकास। देखिए महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाई, आप बताएं कंट्रोल हुआ कि नहीं? नहीं भैया नहीं हुआ। मुद्दा क्या था आपका? वही महंगाई का मुद्दा है। महंगाई का मुद्दा? हाँ। तो सुबह निकले थे तो सिलेंडर देखते हुए आए थे क्या? सिलेंडर तो घर में रखा हुआ ही है। तो देख करके आए थे क्या? तो बगल में बता रहे कि सिलेंडर का रेट 1200 हो गया। नहीं ठीक है, महंगाई का ही मुद्दा है। महंगाई का मुद्दा है। देखिए यहाँ से लगभग 100 मीटर दूरी पर मतदान हो रहा है, कुछ ही घंटे बचे हैं, मतदान का समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमारे साथ तमाम लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। तो मुद्दा क्या रहा? मुद्दा पहला तो बेरोजगारी है, महंगाई है, लोकतंत्र पे जो खतरा है सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है। लोकतंत्र वाकई में खतरा है, खतरा लग रहा है, आम जनता समझ रही है कि कोई ना कोई खतरा है। और 10 साल में ये पब्लिक जो है हमारे हिंदुस्तान का झूठ और फरेब से उब चुकी है, जिसके घर चर चर छः लड़के एमटेक बीटेक एमबीए करके बैठे हैं, उस परिवार वालों से पूछिए कि इस गवर्नमेंट में क्या मिला। नाम क्या हुआ आपका? आनंद मिश्रा। पंडित जी क्या काम करते हैं? हम वकालत करते हैं। वकालत करते हैं? तो वकालत करते तो संविधान की अच्छी बातें हो सकती। क्या वाकई में खतरा है? अगर उन्होंने 400 मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं? आज तक तो राजीव गांधी के अलावा बहुमत के लिए मांगते हैं। बहुमत तो 272 पे आती है, इतना बड़ा लोकप्रिय विश्व के नेता नहीं है। उन लोग कहते हैं वो विश्वगुरु हैं, विष्णु के अवतार हैं। भाई आपकी मीडिया उनको जितना चाहे महामंडन कर दे, लेकिन आज ग्राउंड रिपोर्ट पे आप चल रहे हैं, आपको लगा होगा कि पब्लिक क्या चाहती है। पब्लिक यही चाहती है परिवर्तन हुए एक बार देश में। लेकिन दादा एक बात करें, चुनाव जब होता है तो वोटिंग से पहले, चाहे मैं बात करूँ, आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण तबके के बीच में गए या क्षत्रिय तबके बीच में गए, खुल करके नहीं बोलते। अब ब्राह्मण होकर के खुल के बोल रहे हैं, मतदान कराएं कि नहीं? बिल्कुल, ये मतदान करके आए हैं, मतदान के बाद इतना खुल करके। और ये जो है बेरोजगारी पे मतदान हुआ है, बेरोजगारी जब ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैसे कोई मतलब नहीं है, देश सबका है। अगर आपको 10 साल मौका मिला तो ग्राउंड पे दिखना चाहिए ना, भाषण से देश नहीं चलता। ये आपका प्रश्न है सरकार से? देश वर्क चलता है, ये प्रश्न है आपका सरकार है। देखिए मतदान डालने के बाद खुल करके मुखर होकर बोल रहे अधिवक्ता हैं और बता रहे हैं कि संविधान खतरे में, संविधान का भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। आप भी दादा आगे आ जाइए, बड़े भाई खटाखट पड़ रहा है। देखिए खटाखट पड़ रहा है, खटाखट की बात आप जान रहे हैं, अमेठी से आई है, एक भाषण होता है अमेठी में खटाखट बोला जाता है, खटाखट काफी वायरल। क्या भैया वोट कराए कि नहीं? वोट कराए कि नहीं? वोट कराए। मुद्दा क्या रहा बतावा, क्या मुद्दा रहा है? बेरोजगारी मुद्दा चल रहा है सब यहाँ, बेरोजगारी बढ़ी है। हाँ महंगाई बढ़ा है, सरकार कंट्रोल नहीं कर पा। नहीं देखिए महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा। आप भी वोट कराए हो? जी वोट कराए। उम्र क्या है आपकी? हमारी उम्र 26 साल है। 26 साल। क्या काम करते हैं? हम ठेकेदारी काम करते हैं, बोरिंग का ठेकेदारी काम। पढ़ाई कितनी हुई? पढ़ाई हमारी हुई इंटर तक। इंटर तक। तो रोजगार गवर्नमेंट सर्विस में कभी अप्लाई किया? नहीं किया। नहीं किया, नहीं किया। तो क्योंकि ये जो है जब से सरकार बनी उसके बाद से ना कोई वैकेंसी आई, इसके वजह से जो है कोई अप्लाई नहीं कर पाए। नहीं कर पाए? नहीं। तो मुद्दे क्या थे इस बार? मुद्दे यही बेरोजगारी, महंगाई, यही मुद्दे थे। देखिए महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे थे। आपका नाम भैया क्या हुआ? संजय मिश्रा। तो पंडित जी क्या मुद्दे थे? वोट डाला है कि नहीं पहले बताएं। बिल्कुल वोट दे के आ रहे हैं। वोट डाल के आ रहे हैं। क्या मुद्दे थे आपके? मुद्दे तो यही विकास को लेकर के मुद्दे हैं हमारे। तो विकास हुआ कि नहीं हुआ? फिलहाल इस सरकार में विकास भी हुआ है और शिक्षा को लेकर भी काफ़ी जागरूकता दिखी, लेकिन एक समस्या सिर्फ रही जो लीक आउट हुए हैं पर्चे, पेपर लीक। बिल्कुल, उसको लेकर के जन आक्रोश तो है ही है। बाकी हर मुद्दों पे कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ न कुछ काम किया है, लेकिन हमारे जौनपुर शहर की स्थिति थोड़ी सी ऐसी रही है। शहर के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ जी। जो अमृत योजना का कार्य इनका चल रहा है, कहीं ना कहीं उसमें बड़ी ढिलाई बरती जा रही है, जनता को बहुत परेशानी हो रही है। उन सब चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर किया गया है जो नहीं होना चाहिए था। अच्छा बड़े भाई एक बात करें, आपने भी पेपर लीक की बात की, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है यंग जनरेशन का, आपकी अगली जनरेशन का, या जो नए युवा जो अभी निकल रहे हैं, जो आपकी उम्र के लिए धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। तो पेपर लीक का मुद्दा लेकर के वोटिंग करने गए थे, या जो विकास जो हो रहा धरातल पर जो दिखाई दे रहा है वो मुद्दा? एक चीज़ बता दें, जो चीज़ें हम देख रहे हैं उसको इग्नोर तो कर नहीं सकते, उसके बारे में हम बात बिल्कुल करेंगे, लेकिन संतुष्ट हैं इस गवर्नमेंट से। ऐसा नहीं है कि हम इसको एकदम खारिज कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं आगे का भी भविष्य देख रहा हूँ।
जी, जो इंडिया गठबंधन है सबसे बड़ी समस्या, किसी पार्टी बात नहीं करूंगा, मुद्दे आपके मुख्य मुद्दे, पार्टी की बात आज नहीं करते, मुख्य मुद्दे यही है, विकास है और मौजूदा सांसद आ रहे हैं जो जन योजनाएं हैं लोगों के लिए, सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो सुचारू रूप से सबको जो है समान रूप से जो है मिला है उसका लाभ। बिल्कुल, आप वोट डाला है भैया? अरे हम वोट डाला है कि नहीं? बिल्कुल डाले हैं। क्या उम्र हुई? हमारा लगभग 27 साल उम्र हो गया। 27 साल, क्या काम करते हो? हम SRBP में फाइनेंस का जॉब में, फाइनेंस का RM सेट पे काम करते हैं। ठीक ठाक सब चल रहा है? सब एकदम ठाक। तो गवर्नमेंट के कामों पे बात कर ले, बढ़िया हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं रही? कोई दिक्कत नहीं रही, एकदम टकाटक। हर हर महादेव, जय श्री हर महादेव, जय श्री राम। आप भी वोट डाले हो भैया? वोट डाल दिए भैया। तो क्या मुद्दे थे आपके? जय श्री राम, जय श्री राम। वहीं से क्लियर हो जाए, एकदम क्लियर। कोई और मुद्दा जिन पे आपने जाकर वोट किया? तो सब पीछे है, पहला मुद्दा जय श्री राम। तो मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा रहा हिंदू सेंटीमेंट का? सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर, 70 साल से पेंडिंग पड़ा था। तो राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा, हिंदू सेंटीमेंट से जुड़ी हुई बातें होती हैं तो राम मंदिर की बात होती है। आपने पीछे सुना, मथुरा की बात हुई, काशी की बात हुई, महंगाई की बात हुई, बेरोजगारी पर बात हुई पेपर लीक को लेकर के, तो तमाम मुद्दे रहे पब्लिक के जिस पर आज वोट हुए हैं। जौनपुर में हमारी मौजूदगी है, आप लगातार पब्लिक को सुन रहे हैं, यहाँ से लगभग 100 मीटर दूरी पर वोट पड़ रहे हैं। धीरे धीरे अब अंतिम छोर पर है, लगभग 6 बजने वाले हैं। हम लोगों से धीरे धीरे करके बात कर रहे हैं कि किन मुद्दों पर वोट किया। हमारे पास एक युवा भी आए हैं, वोट डाल के आए भाई? एक मिनट रुक जाना, उम्र क्या हुई आपकी? कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। पहला वोट था? नहीं, दूसरा। दूसरा, तो क्या मुद्दे थे दिमाग में? महंगाई बढ़ी है कि नहीं, बेरोजगारी बढ़ी है? बढ़ी है, बहुत महंगाई बढ़ी है। तो महंगाई मुद्दा था? हाँ। बेरोजगारी मुद्दा था? हाँ। और क्या मुद्दा था? यही, बहुत किसान ही लोग बहुत खाए बिन मर रहे हैं, और क्या किसान का। हाँ, इतनी महंगाई। दादा रुकना, वोट डाला है हो? जी सर। दिखाएंगे हमारे कैमरे पर? हाँ, दिखाइए हमारे कैमरे पर। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र। राजेंद्र भाई, क्या मुद्दे थे आपके वोट के? मुद्दे में जान लीजिए कि मोदी हमारा सही है, सब हमारा सही कर रहा है, सब सही चल रहा है अभी। ठीक है, तो सही चल रहा है। आप कुछ कह रहे थे? अरे इतनी महंगाई है, नहीं कैसे खाएं गरीब लोग। क्या काम करते हैं? पढ़ाई करते हैं कि नहीं? पढ़ाई नहीं करते हैं। क्या फिर क्या काम करते हैं? वायरिंग काम करते हैं। वायरिंग का? वायरिंग का। ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? नहीं, दूरी मिलती है? हाँ मिलती है। कम मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है? कम मिल रही है। कम मिल रही है, तो देख रहे हैं ये बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। एक मिनट दादा रुकिएगा, वोट डाला है कि नहीं? मैंने कब का ही डाल दिया हूँ। तो क्या मुद्दे रहे आपके? मुद्दे यही सब, महंगाई महंगाई बहुत है, और क्या मुद्दे? आम आदमी कमर टूटी है? बस कमर टूटी हुई है, कैसे गरीब आदमी कमा खा रहा है, बस जैसे तैसे चल रहा है। चल रहा है। देखिए महंगाई बड़ा मुद्दा, आपने भी चाची वोट डाल दिया है? हाँ। क्या मुद्दे थे आपके? वही महंगाई संगाई बढ़ रहा है, और क्या है, कुछ महंगाई बढ़ी हुई है, तब बढ़ी हुई है, बच्चे भाई इतना खर्चा वर्चा कैसे चलेगा, इतना बढ़ाए रहे कुछ, और तो सब मांगते, और दे दो और दे दो, सब दे दे रहे। ये महंगाई बड़ा मुद्दा रहा है। यहाँ पे देखिए और भी आ गई महिलाएं हैं, एक मिनट रुक जाइएगा। अम्मा किन मुद्दों पर वोट करी हो आप? वोट कराई कि नहीं पहले? हाँ। तो क्या मुद्दे थे बताएंगे कुछ? हमारे ना समझ में। आप बता पाएंगी? नहीं। चलिए, महिलाएं हैं अक्सर असहज फील करती हैं बात करने के लिए, लगातार आप देख रहे हैं। आप वोट डाला है कि नहीं? बिल्कुल वोट डाला। क्या मुद्दे रहे? मुद्दा तो जो है जो भी है ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ ठीक। तो कुछ तो बताएंगे विकास के बारे में, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा था या हिंदू राष्ट्र? वही रहा है, जो है सब जो है सरकार ठीक चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो सब देखिए बढ़िया चल रहा है, कुछ लोगों के तमाम सारे अलग अलग मुद्दे रहते हैं। मैं यहाँ पे युवाओं से भी बात कर रहा था, अपनी बातें आपके बीच में रखी, बुजुर्गों से ही बात हुई, महिलाओं से ही बात हुई, अलग अलग मुद्दे थे, जौनपुर की जनता के बीच में थे। यहाँ से लगभग आप देखेंगे 100 मीटर दूरी पर जो पोलिंग बूथ है, इस समय धीरे धीरे सन्नाटा हो रहा है, 6 बजने को हैं। अलीगंज सिकरारा जौनपुर में हमारी मौजूदगी है, एक बूथ है पोलिंग बूथ जहां पे हम लोगों से लगातार बात कर रहे थे। आज 6वें चरण का मतदान हो रहा है और इसके बाद एक चरण से बचेगा 7वां चरण, जिसकी मतदान 1 जून को होना है, और उसके बाद 4 जून को पता लग जाएगा सरकार बना कौन रहा है और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा कौन। जुड़े रहिएगा ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।